फैसलाबाद के घंटा घर पर नशेई चढ़ गया। रेस्क्यू अमले ने एक घंटे की जिद्दोजहद के बाद नशेई को काबू किया। कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी कमर जी बिल्कुल, ये आज 11:30 बजे के दरमियान ये एक नशेई शख्स जो है जो घंटाघर में यहाँ पहुंचा है और जब सुपरवाइजर ने घंटाघर का दरवाजा खोला तो उसने उस पर अचानक हमला कर दिया, मुक्के मारे, चिक्के मारी और उस पर छुरी से भी हमला किया और फौरी तौर पर जो है वो क्लॉक टावर के अंदर सीढ़ियों के ऊपर से होता हुआ 120 फुट बुलंद क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ गया। वहां पर जाकर उसने जो लोग यहां पर इकट्ठे हुए उन पर पत्थर बरसाए, वहां से जो ईंटे उखाड़कर वो भी बरसाता रहा, जिसके बाद रेस्क्यू की टीम और पुलिस का हमला यहां पर पहुंचा। तो जब क्रेन के जरिए उसको उतारने की कोशिश की गई तो उसने क्लॉक टावर के ऊपर बिल्कुल ऊपर जो बुर्जियां नस्ब है वो बुर्जियां तोड़ के, वो 20-25 किलो की एक बुर्जी बनती है जो तोड़ के वो उसने यहाँ पर रेस्क्यू के हमले पर मारना शुरू कर दी, जिसके बाद रेस्क्यू के 3 जवानों ने जो है वो क्लॉक टावर के ऊपर चढ़कर वहां पर उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया और जब उसको काबू किया गया तो उस वक्त भी उसने रेस्क्यू हमले पर हमला किया, उनको जो है वो मुक्के मारे, उन पर भी पत्थर बरसाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।